है, ये देखिए चारों तरफ कैसा लग रहा है आपको मुझे बताना। तो इस तरह से है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। और यहाँ ये देखिए मंदिर भी बना रखे हैं पहाड़ की चोटी पर, कैसा पत्थर रखा है देखो। शायद ये आपने कहीं देखा हो ऐसा नज़ारा, अजूबा, एक टाइप में अजूबा ही है ये देखिए। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक नए और मस्त व्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रहा हूँ राजस्थान के ज़िला अलवर की रैनी तहसील, जो पूरा मतलब 90% मीना समाज के लोग रहते हैं, बाकी अदर समाज है। कई कई जगह तो 100% हैं, कहीं 60% हैं, कहीं 80% हैं, इस तरह से अलग अलग है। तो यहाँ मीना क्षेत्र ज़्यादा है। और इस तरह का मैं जहाँ खड़ा हूँ प्रेजेंट वहाँ का माहौल है, क्षेत्र है, ये देखिए चारों तरफ कैसा लग रहा है आपको मुझे बताना। तो इस तरह से है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। तो फिर आगे जो भी व्यू आएगा मैं आपको पूरा दिखाता हुआ चलूँगा। तो चलते हैं आगे। ओके, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इवनिंग का टाइम है, अभी 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ आज, क्या बताएं, आगे चलो साथ साथ देखते रहना, कोई विशेष जगह। तो चलते हैं, रास्ते का एंजॉयमेंट लेते हुए देखते हुए चलिए मेरे साथ, वीडियो का एंड तक बने रहना, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। और दोस्तों शाम के 5 बजे हैं, उसके बाद भी अभी इतनी गर्म लू चल रही है, गर्म गर्म, बाइक को पकड़ रखा है ना हाथों से, तो वो भी बहुत गर्म गर्म लग रहा है, जैसे कोई भट्टी के सामने बैठा हूँ इस तरह से, बहुत तेज़ गर्म गर्म हवा है। और ये जून का महीना चल रहा है और आज 12 जून है, देखिए 12 जून को मौसम कब बदलेगा, बादल तो आ रहे हैं और देखो कब बरसात होती है, बरसात आएगी तेज़ वाली, मानसून के वाली, तो मैं आपको वीडियो बना के फिर बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर कैसी बरसात हो रही है और कैसी बरसात आई है। तो अभी चलो आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये और एक छोटा सा गांव आया है जिसका नाम है बबेली, बबेली गांव। देखिए ये यहाँ का बस स्टैंड है, ये गांव के लिए अंदर रास्ता जाता है और इस तरह से है रास्ते का व्यू। और दोस्तों अब ये जो पहाड़ है इधर वाला और एक इधर, इस पहाड़ के यहाँ पर ये गांव बसा हुआ है, इस गांव का नाम ये लिख रहा है टहटड़ा गांव है ये, तो टहटड़ा गांव आ चुका है। अब यहीं से ही मैं राइट हैंड साइड में टर्न लूँगा। गाँव ग्राम पंचायत आ गया, अब यहीं से राइट साइड में अपन को जाना है। ये चलते हैं राइट साइड में, सामने ऐसा मौसम लग रहा है जैसे बरसात आएगी। और ये रोड की चौड़ाई बढ़ रही है क्योंकि आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस वजह से, क्योंकि ट्रक आएंगे बड़े बड़े तो रोड पहले छोटा था, अब ये बड़ा हो रहा है, तो इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं रोड को। जगह जगह रोड खुदा हुआ है। चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है रास्ता। नींबू का बगीचा है पूरा और वहाँ तक नींबू। और इस रैनी क्षेत्र में पानी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कोई क्षेत्र में पूरा डार्क जोन में आया हुआ है। और उधर ये पहाड़ है, इस तरह से देखिए रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। ये देखिए रास्ता दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरा उबड़ खाबड़ रास्ता है। और ये पहाड़ है, पहाड़ के तलेटी में ये रोड बना हुआ है, अब ये काम चल रहा है, जगह जगह हालात ख़राब है रोड के। और ये देखिए रास्ते का आनंद लीजिए, रोड तो खैर साइड से बढ़ रहा है इसलिए खुदाई कर रखी है, और साइड में पहाड़
और सामने बरसात का सा मौसम, गहरे बादल छाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या रास्ता है, क्या सफ़र है और क्या सामान है, एक शेर था ऐसा, बुज़ुर्ग आदमी पैदल चल रहा है ये देखिए। और इतनी हीट, गर्मी है, अभी शाम का टाइम हो चुका है, 6 बजने वाले हैं और लेकिन अभी तक गजब हीट है, बहुत ज़बरदस्त गरम गरम हवा, गरम लू। तो ये पोजीशन है यहाँ की, क्योंकि बरसात हो नहीं रही है और ये पूरा क्षेत्र में पानी नहीं है, इसलिए नमी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नज़र लड़ी थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी, तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो तुम राह जिंदगी में। कितना हसी जमाना आया था मार्च लेकर, अप्रैल चल चुका था, दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, हर शख्स की जुबां पर बस था यही फसाना, दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें। चलो दोस्तों, गाने तो होते रहेंगे, ये तो वैसे याद आ गए मेरे लाइन, तो मैं आपको सुना दिया, आप तो रास्ते का आनंद लीजिए। सामने घनघोर घुटाएँ छाई हुई है, क्या मालूम बरसात आ जाए और मुझे भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं, मिलती है कि बरसात नहीं मिलती है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं बरसात का इंतज़ार। और आपका भी इंतज़ार है, एंड तक बने रहना, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और जो चैनल पर पहली बार आए मेरे दोस्त, कृपया सब्सक्राइब करें, थैंक यू, मिलते हैं आगे। दोस्तों, ये डेरा गांव आ चुका है, इसका छोटा सा कस्बा है एक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ क्या है, दाऊ जी महाराज जी का मंदिर है यहाँ पर, कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊ जी, उनका मंदिर है ये, चलते हैं आगे दिखाता हूँ। और ये वो डेरा, कस्बा कह सकते हैं, गांव कह सकते हैं, कस्बा तो क्या है, छोटा सा मार्केट है उस यहाँ पर, ये देखिए। तो डेरा गांव से निकलने के बाद में दो रोड छटते हैं, एक वो रोड आपको दिखाई दे रहा है, उस पर काम चल रहा है, पूरा खुदा हुआ रोड है, और एक ये है, तो मैं इस पर टर्न कर गया, पहाड़ के नीचे नीचे जा रहा है ये भी, आगे देखते हैं कैसा रास्ता है कैसा नहीं है, अभी तो चलते हैं, जैसा भी होगा आपको दिखाते हुए चलूँगा। पर रास्ता बड़ा मस्त लग रहा है, कैसे कैसे बड़े बड़े पत्थरों वाले पहाड़ हैं, गजब देख सकते हैं आप, ये तो शमशान घाट बना रखा है। और ये देखिए, और देखिए क्या मस्त व्यू आया है यहाँ का, गजब आया आनंद भाई, मुझे तो बड़ा मस्त लग रहा है। ये राजस्थान के पहाड़ हैं, अरावली पर्वतमालाएं हैं, अजीब गरीब पर्वतमालाएं हैं ये भी। और अभी इधर का व्यू देखिए गजब, और पहाड़ के ऊपर देखिए पत्थर, अलग ही लग रहा है ना, टॉप पे कैसा रखा है हुआ। और इस गांव का नाम है डगडगा, अभी लिखा हुआ था एक माइलस्टोन पर। और यहाँ ये देखिए मंदिर भी बना रखा है, यहाँ पहाड़ की चोटी पर कैसा पत्थर रखा है देखो, शायद ही आपने कहीं देखा हो ऐसा नज़ारा, अजूबा, एक टाइप में अजूबा ही है ये देखिए। और इधर भी देखो, इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ पीछे से, इस रोड से, और
इधर जाना है सामने, तो चलते हैं आगे। और ये गांव है डगडगा, देखते हैं। और अब इस रोड पर चढ़ चुका हूँ जिसको मैंने छोड़ा था। अब यहाँ से ये रोड थोड़ा सा वैसे डल गया है, कच्चा, अभी पक्का बनेगा आगे बाद में। तो चल रहा है इतना काम, इसका काम प्रोग्रेस पे है, चलते हैं आगे। बरसात का मौसम तो बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आंधी आएगी, सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। चलते हैं आगे। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जा रहा है, इसके पास पास में होके हम चल रहे हैं। और ये देखिए आगे चलते हैं, अब आगे दिखाते हैं आपको। और ये देखिए विश्राम स्थल, विश्राम सेवा क्षेत्र। और ये एक्सप्रेस वे के साथ साथ ये रास्ता जा रहा है, देखिए। अब क्या मालूम कितने दूर तक इसके साथ साथ चलेगा, ये चल रहे हैं साथ साथ में, देखते हैं। ये आ गया और वो डगडगा लिख रहा है, डगडगा क्षेत्र वाला ही है ये भी। और यहाँ से ये दो रास्ते सटते हैं, जो लेफ्ट साइड में जा रहा है ये रास्ते पे चलना है। देखो दोस्तों ये आ गया वापस एक्सप्रेस वे, ट्रक जा रहे हैं बड़े बड़े, हाईवे के ऊपर से छोटी गाड़ियाँ तो बहुत स्पीड में चलती हैं। और ये आ गई भेड़ और बकरियाँ अंडरपास के नीचे से, ये देखिए। अब निकलते हैं आगे और चलते हैं मंजिल की ओर। और ये देखिए अजीब वो गरीब पहाड़, कैसे कैसे पहाड़ हैं। और रेलवे ट्रैक के सामने ही वो ट्रेन जा रही है, देखिए आप, मालगाड़ी जा रही है। और सामने भी ऐसे ही पहाड़ है, मोटे मोटे भारी भारी पत्थरों का। हमें टर्न करना है राइट में, और राइट में सामने भी वही पहाड़ है। देख कर बड़ा मज़ा आ रहा है यार, कैसे भारी भारी पत्थरों का, मतलब 50-60 पत्थरों का एक ही पहाड़ बना हुआ है, ऐसा है। मज़े तो आते हैं ना। चलते हैं आगे फिर और दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड नाइट भी कह सकता हूँ, इवनिंग तो है ही, लेकिन अभी देखो आप कितना अंधेरा है। और मुझे नाइट हो चुकी है, रात, मतलब रात हो चुकी है, और अभी तक मेरा सफ़र जारी है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सुनसान जंगल है, तेज़ हवाएं चल रही है, सनन सनन, खौफनाक रोड है, कुछ भी नहीं है। और दोस्तों ये आ गया बांदीकुई कस्बा, और अभी इसके अंदर एंट्री की है, अभी आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। बाज़ार में होके निकलेंगे, बाज़ार का व्यू दिखाएंगे आपको पूरा। तो राइट साइड में रेलवे ट्रैक चल रहा है, दीवार हो रही है ऊंची ऊंची, और इधर रोड है, ये रास्ता आता है बिवाई से बांदीकुई, और मैं अभी आ रहा हूँ बिवाई साइड से। और बांदीकुई का आगरा फाटक है जो कस्बे के अंदर पड़ता है, अक्सर बंद मिलता है, बड़ी तकलीफ होती है लोगों को यहाँ पर, एक एक घंटे आधे आधे घंटे वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत बड़ी तकलीफ है लोगों को। ट्रेन जा रही है, ये जा रही है उदयपुर सिटी एक्सप्रेस। और ये बांदीकुई मार्केट है, ये देखिए। दोस्तों ये अभी तक बांदीकुई मार्केट चल रहा है, बीच में मैं रुक गया था। और ये देखिए ये रोड जा रहा है बांदीकुई से अलवर। मार्केट जल्दी बंद हो गया, अभी तो 9:15 बजे हैं करीब रात के, और जल्दी मार्केट बंद हो गया। हेलो दोस्तों कैसे हो, ये व्लॉग आपको कैसे लगा? मैं बांदीकुई पहुंच गया, बांदीकुई में नाइट होल्ड करूँगा, तो इस वजह से बस
आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्रार्थना है मेरी। और बस एक सब्सक्राइब करना है, इसमें कुछ पैसा लगता नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ़ है, कर लिया करो। नेक्स्ट व्लॉग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।